Good morning student, I am Smriti, your EVS teacher. Today I am going to explain chapter 17, Nandita in Mumbai. Nandita, Mumbai, May. Okay, let's see. I came to Mumbai a month ago. Aaj mujhe Mumbai aaye ek mahina ho gaya. Since we came, mother has been admitted in the hospital. Aur tabhi se maa hospital mein bharti hai. We had to come to Mumbai for her treatment. उनके इलाज के लिए तो हम गांव से मुंबई आए थे. द बिग सिटी मुंबई. आई हैव स्लोली गॉट यूज टू द सिटी. और मुझे धीरे धीरे शहर की आदत पड़ गई है. आई स्टिल रिमेंबर द डे व्हेन मदर है एंड आई गॉट ऑफ द ट्रेन एट द मुंबई स्टेशन. पर आज भी वो दिन याद है जब माँ और मैं मुंबई स्टेशन पर ट्रेन से उतरे थे. It was so crowded, बहुत ज़्यादा भीड़ थी. I quickly caught hold of mother's hand और मैं जल्दी से अपनी मदर के हाथ को पकड़ ली. I was thinking about how mama would find us in the crowded. और मैं यही सोच रही थी कि कैसे मामा हम लोगों को देख पाएंगे. Just then I heard some calling loudly from behind, Nandita, Nandita. और तभी पीछे से जोर से आवाज़ आई, नंदिता नंदिता. आई टर्न बैक एंड देयर वॉज मामा. मैं पीछे मुड़कर देखी कि वो मामा ही थे. वी लेफ्ट द स्टेशन एंड वर सून ऑन आवर वे टू मामाज हाउस. स्टेशन से मामा के घर की ओर चल पड़े. बट अगेन इट वॉज सो क्राउडेड एवरी ईयर. फिर दोबारा वही चारों तरफ भीड़ ही भीड़ था. There were many huts lying on along the narrow street. और संकरी गली के दोनों तरफ सटी हुई झोपड़ियाँ थी. We went through the street to reach Mama's house. और हम लोग उसी गली के रास्ते से हम लोग मामा के घर पहुँचे. मामा मामी their daughter and a son all live in one room. और एक ही रूम में मामा मामी और उनकी दो बेटियां और एक बेटे रहते हैं. नाउ आई टू लिव हर विद देम. और अब मैं भी रहने आई. इट इज़ हियर डैट वी शुड स्लीप कुक एंड वॉश ऑल इन वन रूम. और एक ही रूम में खाना बैठना उठना सभी था. My house in the village also has only one room. हमारे गांव के घर में भी एक ही कमरा है. But we have separate places for cooking and bathing. पर रसोई और नहाने की जगह अलग है. We also have a courtyard outside. और बाहर में आंगन भी है. Water. Mommy Seema and I get up 4 o'clock every morning and go द पब्लिक टैप टू फिल वाटर. मैं मामी और सीमा के साथ सुबह 4 बजे उठकर बाहर के पब्लिक टैप पे नल पर पानी भरने जाती हूँ. ओ नो यू वॉन्ट बिलीव हाउ मैनी फाइट देयर आर फॉर वाटर. तुम्हें विश्वास भी नहीं होगा कि वहाँ पानी के लिए कितने झगड़े होते हैं. इफ़ वी आर जस्ट ए लिटिल लेट देन वी आर नॉट एबल टू फिल वाटर फॉर द डे. और अगर पहुँचने में देरी हो गई तो समझो दिन भर का पानी भी भरा नहीं जाएगा. देर इज़ नो टैप इन आवर हाउस इन द विलेज टू. हमारे गांव के घर में भी नल नहीं है. द पॉन्ड इन द विलेज हैज़ वाटर. गांव में तालाब में पानी होते हैं. इट टेक्स 20 मिनट्स टू वॉक टू इट. गांव में तालाब 20 मिनट की दूरी पर है. In summer, sometimes the water in the pond dry up. लेकिन गर्मी में कभी कभी water pond का सूख जाता है. Then we have to walk for almost 1 hour to the river to get water. तब हम लोग को 1 घंटा भर चलकर नदी के पास पानी लाना पड़ता है. But in the village there were no fight for water. लेकिन गांव में पानी के लिए झगड़े तो नहीं होते. इन द स्ट्रीट वेयर मामा लिव्स देयर इज नो टॉयलेट एट वन एंड. मामा की गली इज ए टॉयलेट एट वन एंड.
मामा के गले के एक कोने पर टॉयलेट बना है। एवरी वन द स्ट्रीट यूज दैट टॉयलेट, और स्ट्रीट के सभी लोग उस टॉयलेट का यूज करते हैं। इट इज़ ऑलवेज वेरी डर्टी एंड स्मेल सो बैड, और ये टॉयलेट बहुत गंदा भी है और बहुत गंदी स्मेल भी आती है। एट फर्स्ट इट यूज टू मेक वी वॉन्ट टू वॉमिट, मैं पहली बार इस टॉयलेट को यूज़ की तो मुझे वॉमिट जैसा फील होने लगा। एट टाइम्स देयर इज नो वाटर, उस समय पानी भी नहीं है। वी हैव टू टेक वाटर विथ अस, अक्सर वहाँ पानी भी नहीं है, पानी भी साथ ले जाना पड़ता है। नाउ आई एम गेटिंग यूज टू ऑल दिस, अब तो मुझे इस सब की आदत पड़ गई है। इन द विलेज पीपल गो टू ओपन प्लेसेस और फील्ड्स फॉर द टॉयलेट, लेकिन गांव में खुली जगह पर टॉयलेट जाते हैं। द मेन एंड वोमेन गो टू डिफरेंट प्लेसेस, और आदमी और औरतों की जगह भी अलग अलग है। Here there are some questions related of this chapter. Let's see first question. Why did Nandita have to bring her mother from the village to Mumbai? Nandita अपनी माँ को मुंबई क्यों लाई थी? Nandita had to bring her mother to Mumbai for treatment. Nandita अपनी माँ को मुंबई treatment कराने के लिए लाई थी। Nandita used to feel like vomiting pain. At first she would use the toilet where mama lived by. मामा की बस्ती के टॉयलेट में जाने पर नंदिता को पहले वोमिटिंग आती थी क्यों? तो द टॉयलेट वॉज यूज बाई मैनी पीपल, टॉयलेट जो था वो बहुत लोगों के द्वारा यूज किया जाता था। Nobody cared to clean it, so it got dirty day by day and spread very foul smell. और इसकी वजह से सभी लोग एक ही टॉयलेट का यूज करते थे और डे बाई डे वो गंदा भी होता जा रहा था और उससे गंदी स्मेल भी आ रही थी। इसी की वजह से नंदिता को वोमिटिंग जैसा फील हुआ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन वॉट वे डिड नंदिता फाइंड हर मामाज हाउस टू बी डिफरेंट फ्रॉम हर हाउस इन द विलेज, नंदिता को अपने और मामा के घर में क्या अंतर लगा? तो इन नंदिताज हाउस सेपरेट किचन सेपरेट बाथरूम एंड कोर्टयार्ड, एंड मामाज हाउस नो सेपरेट किचन बाथरूम एंड कोर्टयार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिफरेंस डिड नंदिता फाइंड बिटवीन गेटिंग वाटर फ्रॉम द पब्लिक टैप एंड इन द विलेज, बस्ती के नल से पानी भरने और गाँव में पानी भरने में नंदिता को क्या अंतर लगा? तो इन द विलेज दे फील वाटर फ्रॉम द पॉन्ड, देयर इज नो रस, इट इज अवेलेबल ऑल द डे। गांव में पानी वे पानी पॉन्ड से तालाब से फिल करती है और वहां पे भीड़ भी नहीं है और एवरी टाइम पानी भी अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉज देयर इलेक्ट्रिसिटी एट द प्लेस वेयर नंदिता मामा लिव्ड, किस अब वो गेस करने हैं कि क्या नंदिता के मामा जिस बस्ती में रहते हैं क्या वहाँ पर बिजली होगी? तो यस, देयर वॉज इलेक्ट्रिसिटी एट द प्लेस वेयर नंदिताज मामा लिव। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, लर्निंग न्यू थिंग्स। एवरी डे आई गो टू हॉस्पिटल बाई बस टू सी माई मदर, मैं रोज़ माँ से मिलने बस से अस्पताल जाती हूँ। एट फर्स्ट आई वॉज टू सेक्रेट टू गेट इन टू सच क्राउडेड बसेस, शुरू में तो बसों में भीड़ देखकर हिम्मत ही नहीं पड़ती थी उनमें चढ़ने की। आई वॉज नॉट एट ऑल यूज टू इट, आज जो नहीं थी। आई वॉज अफ्रेड, डर भी लगता था। बट नाउ इट इज़ नॉट लाइक डैट, लेकिन पर अब ठीक है। आई नो हाउ टू स्टैंड इन लाइन, हाउ मस्ट टू पे फॉर द टिकट, वेयर टू गेट डाउन, अब तो मैं समझ गई हूँ कि लाइन में कैसे लगना है, कि टिकट के कितने पैसे देने और कहाँ उतरना है। वेयर वी स्टे देयर इज़ ए टॉल बिल्डिंग नियर बाई, बस्ती से कुछ दूर एक ऊंचे बिल्डिंग है। माई मामी वर्क्स इन 7 हाउसेस देयर, मेरी मामी उस बिल्डिंग में 7 घरों में काम करती है। सी वॉशेस यूटेंसिल एंड क्लीनस हाउस, वो घर बर्तन साफ करती है और घर को साफ करती है।
One day I went there with her. एक दिन मैं उनके साथ गई. When I first saw the building, जब मैं पहली बार बिल्डिंग को देखी, I thought that it was one big house. तो मुझे लगा कि ये एक ही बड़ा घर है. But I found that there were many houses, one on top of another. पर नहीं, वे तो एक के ऊपर एक बने बहुत सारे घर थे. I was wondering how I would climb so many stairs, but there was a lift to take people up and down. मैं सोच रही थी कि इतनी सारी सीढ़ियाँ कैसे चढ़ूंगी, पर वहाँ लिफ्ट भी लगी थी, एक बार लगी थी. I was like a big iron case with fan, light and even a bell. वह एक बड़ी लोहे के पिंजरे जैसी थी, पंखा, घंटी और बल्ब सभी लगे हुए थे. So many of us got into the lift. Somebody pressed the button and lift went up quickly. हम कितने सारे लोग उसमें घुस गए और बटन दबाया और झट से पहुंच गए ऊपर. I was to tell you the truth. I was very scared in the beginning. सच बताओ, मुझे पहले बहुत डर लगा था. Okay, let us talk. Do you know anyone who was admitted to a hospital? क्या कभी तुम्हारे कोई तुम्हारा अपना हॉस्पिटल में भर्ती हुआ है? Next, for how many days was he or she in the hospital? वह कितने दिन के लिए हॉस्पिटल में भर्ती है? Did you visit the person in the hospital? क्या तुम उनसे मिलने जाते थे? Who was looking after the patient at the hospital? वहाँ उनकी देखभाल कौन कर रहे थे? ये इसके बारे में आपको लिखने हैं. Now next question, have you ever seen a tall building? Where? क्या तुमने tall building देखा है? तो yes, I have seen several tall building. Next, how many floors did the building have? उस building में कितनी मंजिलें थी? तो there were 20 floors in the building. Next, how many floors did you climb? तुम कितने मंजिल तक चढ़े हो? तो I climbed up to the 5th floor. Next point, another house. Mommy took me first to Bablu's house. मामी सबसे पहले मुझे बबलू के घर ले गई. His house was on the 12th floor. उसका घर 12वीं मंजिल पर था. What a big house is. कितना बड़ा घर था. So many rooms. बहुत सारे rooms थे. One to sit in. एक बैठने का. One to eat in. एक खाने का room. One to sleep in. And one to cook in. Their toilet was also in the house. और उसके घर में toilet भी अंदर ही था. It took mommy a lot of time to clean Bablu's house, but she could work easily. Mommy को बबलू के घर काम करने में टाइम तो बहुत लगा, पर खास परेशानी नहीं हुई. There was a tap in the kitchen and water flowed from it. रसोई में ही नल लगा था और पानी भी अच्छे से आ रहा था. बबलू पुट ए बकेट अंडर द टैप टू फिल वाटर फॉर हिज बाथ. बबलू ने नहाने के लिए पानी की बाल्टी बाथरूम में लगा दी. एंड देन ही शट डाउन टू वॉच टीवी और बैठ के टीवी देखने लगा. सो मच वाटर वॉज वेस्टेड. बहुत सारे पानी बह गए. आई डिड नॉट लाइक इट. मुझे यह अच्छा नहीं लगा. आई वेंट एंड क्लोज द टैप. मैंने जाकर नल बंद कर दिया. बबलूज हाउस हैड बिग ग्लास विंडो. बबलू के घर में बड़ी बड़ी कांच की खिड़कियाँ थीं. मामी टोल्ड मी टू लुक डाउन फ्रॉम द विंडो. मामी ने मुझे खिड़की से नीचे देखने को कहा. आई कुड सी मामाज स्ट्रीट एंड द हाउसेस, बट आई कुड नॉट मेक आउट विच वॉज हिज हाउस. बबलू के घर से खिड़कियों से मामा की बस्ती दिखाई दे रही थी, लेकिन बस्ती तो दिखाई दी पर पता नहीं चल रहा था कि मामा का घर कौन सा है. From up there, everything below looked like a small toy. ऊपर से नीचे सब कुछ खिलौने की तरह छोटा छोटा लग रहा था. I was quite afraid to look down from such a height. मुझे डर भी कितना लगा था ऊपर से बहुत नीचे झांकने में.
okay. Next, when Nandita first came to Mumbai, what were the things that she was afraid to do? शुरू से नंदिता को मुंबई में क्या क्या करने में डर लगता था? तो नंदिता was afraid to look down from higher floors in the lift and crowded places. भीड़ के जगहों से नंदिता को डर लगा, लिफ्ट से डर लगा और ऊंचे हाई फ्लोर से नीचे देखने में उसे डर लगता था. नेक्स्ट क्वेश्चन, what were the differences between the houses where mama lived and the houses in high rise building? मामा के घर और बिल्डिंग के मकानों में क्या अंतर था? Houses in area where mama lived, मामा के बस्ती के घर में क्या अंतर था? और houses in high rise building, और उसी बिल्डिंग में बने घर में क्या अंतर था? The house in area where mama lived, separate toilet, no separate kitchen, okay, no water tap, no glass window, and houses in a high rise building, separate kitchen, big glass window, etc. Okay. Next question. Discuss why there were differences. ये अंतर क्यों है? इस पे आपको चर्चा करनी है. Tell about yourself. यहाँ पे आपको अपने बारे में बताने हैं. First, draw a circle around the kind of houses you live in. Is it like the house of? इनमें से तुम्हारा घर किसके जैसा, उस पर आपको गोला लगाना है. जैसे कि नंदिता के जैसा है, मामा के घर जैसा, या बबलू के घर जैसा, या एनी अदर काइंड. तो आपका घर जैसा है वैसे पे आपको सर्कल करना है. नेक्स्ट, वेयर डज द वाटर कम फ्रॉम इन योर हाउस. तुम्हारे घर में पानी कहाँ से आता है से आपको लिखना है. नेक्स्ट, इज देयर एन इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन इन योर हाउस. हाउ मेनी आवर्स इन ए डे डू यू गेट इलेक्ट्रिसिटी. क्या तुम्हारे घर में बिजली का कनेक्शन है? यदि हाँ तो एक दिन में बिजली कितने घंटे आती है? यह है इसमें, इसके बारे में आपको लिखने हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द नियरेस्ट हॉस्पिटल इन द एरिया वेयर यू लिव. तुम जहाँ रहते हो वहाँ का पास का अस्पताल कौन सा है उसे आपको लिखना है. नेक्स्ट, हाउ फार आर दीज फ्रॉम योर हाउस. नीचे दी गई जगह हैं जैसे कि बस स्टॉप, स्कूल, मार्केट, पोस्ट ऑफिस और हॉस्पिटल. तो ये आपके घर से कितने दूर पे है वो आपको लिखना है. यहाँ पर मिनट ऑफ टू वॉक, यहाँ पे आपको समय लिखने हैं, कितने टाइम लगते हैं आपके घर से जाने में और कितने किलोमीटर है. जैसे कि बस स्टॉप, हम मेरे घर से बस स्टॉप की टाइम लगता है 5 मिनट एंड किलोमीटर है 1/2 किलोमीटर. ओके, वैसे ही आपको स्कूल, मार्केट, पोस्ट ऑफिस और हॉस्पिटल जाने में टाइम कितना लगता है वो आपके घर से कितनी दूरी पे है वो आपको लिखने हैं. ओके, नाउ अनदर क्वेश्चन, ड्रो पिक्चर इन योर नोटबुक ऑफ द डिफरेंट काइंड ऑफ हाउसेस इन योर एरिया. तुम्हारे इलाके में बने अलग अलग तरह के घरों का चित्र कॉपी में आपको ड्रो करने हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, ए न्यू वरी, एक नई चिंता. मामा हैड सेड दैट ही वुड टेक मी अराउंड टू सी मुंबई. मामा ने कहा था कि वे मुझे मुंबई घुमाने ले जाएंगे. द चिल्ड्रन अराउंड हियर टॉक ए लॉट अबाउट चौपाटी. बस्ती के बच्चे चौपाटी की बहुत बातें करते हैं. दे सेड दैट बिग फिल्म स्टार ऑल्सो लिव देयर. वे कहते हैं कि वहाँ बड़े बड़े फिल्म स्टार रहते हैं. Maybe when I go there, I might see a film star. काश जब हम वहाँ जाएँ तो मुझे भी कोई फिल्म स्टार दिख जाए. ओके, दिस डेज मामा इज सो वरीड. आजकल मामा बहुत परेशान है. आई कांट आस्क हिम टू टेक मी टू चौपाटी. मैं उनसे नहीं पूछ सकती कि वो मुझे चौपाटी ले जाएंगे, कब ले जाएंगे. लास्ट वीक सम पीपल had come with a notice that everyone should move out of this place.
पिछले हफ्ते कुसलो बस्ती खाली करने की नोटिस दे गए थे। देशे ए बिग होटल विल बी बिल्ट देयर। वे कहते हैं कि यहाँ बड़ी सी होटल बनेगा। मामा वॉज सेइंग दैट दिस इज द थर्ड टाइम इन द लास्ट 10 ईयर्स डैट ही गॉट सच नोटिस। मामा ने बताया कि पिछले 10 सालों से उन्हें तीसरी बार नोटिस मिला है। पीपुल हु लिव हीयर हैव बीन गिवन अनदर प्लेस टू मेक देयर हाउसेस। जो लोग यहाँ रह रहे हैं उन्हें अपना घर बनाने के लिए कोई दूसरी जगह दी जा रही है। बट इट इज वेरी फार अवे अनदर कॉर्नर ऑफ द सिटी। लेकिन ये जगह काफ़ी दूर है और वो शहर से बहुत दूर है, समझो कि शहर का दूसरा कोना है। देयर इज़ नो ड्रिंकिंग वाटर। वहाँ पीने का पानी नहीं है। नो इलेक्ट्रिसिटी और ना ही बिजली है। आई डोंट इवन नो इफ एनी बस गोज देयर। और पता नहीं वहाँ कोई बस भी जाती है या नहीं। हाउ विल मामा रीच हिज वर्क प्लेस फ्रॉम सो फार। मामा इतनी दूर से काम पर कैसे आएंगे। हाउ मच मनी विल ही हैव टू स्पेंड एंड हाउ मच टाइम ऑल्सो। कितना ज़्यादा पैसा लगेगा और कितना ज़्यादा टाइम भी। एंड मामी विल सी गेट सम अदर वर्क देयर। और क्या पता मामी को उनको वहाँ काम मिलेगा भी या नहीं। इफ़ मामा मूव्स टू ए न्यू प्लेस। यदि मामा नई जगह चले गए। हाउ विल आई बी एबल टू विजिट माई मदर। तो मैं माँ से मिलने कैसे आऊँगी। मदर इज़ नॉट इवन कम्प्लीटली वेल एज एट। माँ तो अभी पूरी तरह से ठीक भी नहीं हुई है। ओके हियर देयर आर सम क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, वाई डज मामा हैव टू चेंज हिज हाउस। मामा को अपना घर क्यों बदलना पड़ रहा है। तो ए बिग होटल वॉज प्रपोज टू बी बिल्ड ऑन द लैंड वेयर मामा हैड हिज हाउस वॉज प्रेजेंट। सो द पर्सन लिविंग एट दैट प्लेस हैड टू चेंज देयर हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैव यू एवर मूव फ्रॉम योर हाउस। क्या तुमने कभी अपना घर बदला है। इफ़ येस वाई डिड यू हैव टू मूव। और यदि हाँ तो किन कारणों से। तो येस आई मूव फ्रॉम माई हाउस बिकॉज ऑफ ट्रांसफर टू माई फादर टू अनदर प्लेस। एक बार मैं अपना घर बदली हूँ जब मेरे फादर का ट्रांसफ़र हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, डू पीपल इन योर फैमिली हैव टू गो फार फॉर देयर वो। क्या तुम्हारे परिवार के लोगों को काम के लिए दूर जाना पड़ता है। वेयर डू दे गो। वे कहाँ जाते हैं। एंड हाउ फार डू दे हैव टू गो। और वे कितनी दूर जाते हैं। तो येस माई फादर गोज टू ऑफिस फॉर हिज वर्क। हिज ऑफिस इज अबाउट 10 या 50 किलोमीटर फ्रॉम आवर हाउस। नेक्स्ट डिस्कस, यहाँ पे आपको चर्चा करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इज इट राइट दैट मामा एंड अदर्स हैव टू मूव बिकॉज ए होटल इज गोइंग टू बी बिल्ट देयर। क्या मामा की बस्ती को हटाकर वहाँ पर होटल बनाना ठीक है। इस पे आपको चर्चा करने हैं। नेक्स्ट, हु विल बेनिफिट फॉर दिस। इससे किसको फ़ायदा होगा। हो विल फेस डिफिकल्टी। और इसकी वजह से किसको परेशानी होगी। नेक्स्ट, डू यू नो ऑफ एनी पीपल हु हैव दिस प्रॉब्लम सिमिलर टू नंदिताज मामा। टॉक अबाउट इट इन क्लास। क्या तुम किसी ऐसे परिवार को जानते हो जिन्हें नंदिता के मामा के परिवार की तरह परेशानियों का सामना करना पड़ा हो। उसके बारे में आपको कक्षा में चर्चा करने हैं। ओके दैट्स इट। थैंक यू।